चलो सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। टीएमसी के काशी चैलेंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज। काशी के लोग दीदी को बाहरी नहीं कहेंगे। वाराणसी में तिलक और चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे, ये कहा गया है। देखिए सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता दीदी श्रीराम के आह्वान से चिढ़ती हैं। दीदी को वहां हर हर महादेव सुनने को मिलेगा, तो किस तरीके से तंज यहां पर कसा गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए बंग की जंग में गजब का खेला हो रहा है। अब बंगाल में काशी खेला की एंट्री हो चुकी है, हर हर महादेव की एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में टीएमसी के काशी चैलेंज के जवाब में ममता दीदी पर तंज किया और कहा कि काशी में आपका स्वागत होगा, कोई आपको बाहरी नहीं कहेगा। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। यहाँ आप जय श्री राम के आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर दो मिनट के बाद हर दर हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। कोलकाता खेला वर्सेस काशी खेला, दीदी ओ दीदी काशी में क्या होगा, बंगाल में काशी का खेला। टीएमसी ने बनारस का चैलेंज दिया तो मोदी ने ममता बनर्जी को काशी का न्योता दे दिया, लेकिन साथ में बाहरी से लेकर श्रीराम के नारे से चिढ़ने का वार करना नहीं भूले। इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम के आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर दो मिनट के बाद हर दर हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। अपनी पिछली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ममता दीदी नंदीग्राम हार रही हैं और जीत के लिए दूसरी सीट तलाश कर रही हैं, जिस पर टीएमसी की ओर से वाराणसी में लोकसभा की चुनौती पेश की गई और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया। बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वही रखेंगे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा और उससे पहले ममता बनर्जी के लिए भगवा खेमे ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाना दीदी के लिए मुश्किल हो रहा है। काशी के बहाने अब ममता दीदी जय श्री राम के बाद हर हर महादेव पर घिर गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सर की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और दीदी यानी कि ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। सर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आज योगी और ममता बनर्जी यानी कि दीदी आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। योगी की चार रैलियों के जवाब में ममता बनर्जी की भी आज पांच रैलियां होनी है। भगवाधारी योगी का संडे संग्राम, राम भक्त योगी वर्सेस रामद्रोही दीदी, भगवा सुनामी से दीदी को डर। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनावी रण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज भी यूपी के सीएम योगी बंगाल में रहेंगे और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर प्रचार करेंगे। सुबह 10:30 बजे खानाकुल विधानसभा के आरमबाग में सीएम योगी जनसभा करेंगे। 11:15 बजे जंगीपाड़ा विधानसभा के श्रीरामपुर में और 1:35 पर हुगली जिले के चंदन नगर में जनसभा करेंगे और चौथी जनसभा हावड़ा ग्रामीण की अमता विधानसभा में सीएम योगी करेंगे।
कल भी योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में थे और हावड़ा में जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम योगी ने हावड़ा में रोड शो भी किया और दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। सीएम योगी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले बीजेपी से दिक्कत थी और अब श्री राम से भी दिक्कत शुरू हो गई है। ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगती है। वही ममता बनर्जी भी सीएम योगी के जवाब में 5 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। सुबह 10:30 बजे हुगली के खनकौल में और 11:30 बजे पुरसुरा में जनसभा करेंगी ममता बनर्जी। 12:30 बजे हावड़ा के आमता बख्शी ग्राम पंचायत में और 1:30 बजे बरुईपुर पश्चिम में जनसभा करेंगी। ममता बनर्जी की 5वीं जनसभा 2:30 बजे सोनारपुर दक्षिण के राजपुर सोनपुर में होगी। सियासत के सुपर संडे में सभी दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 अप्रैल को 5 राज्यों में होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले चुनाव से संबंधित सभी सियासी पार्टियां इड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, यानी कि शाम 5 बजे चुनाव प्रचार शोर थम जाएगा और पूरी कोशिश यहाँ पर हर पार्टी की है कि उससे पहले पूरी ताकत झोंक दी जाए। बिल्कुल, अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। 5 राज्यों के चुनाव में ताल ठोक रही सियासी पार्टियों के लिए रविवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद तीसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले सियासी जंग लड़ रही सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, चाहे फिर बीजेपी हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी। आखिरी दिन इन पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी जान फूंकते नजर आएंगे। दीदी यानी ममता बनर्जी 5 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाली हैं, जिसके जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 4 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी 2 जगह पर जनसभा के अलावा एक रोड शो भी करेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी 1 रोड शो और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य दिग्गजों की दूसरी राज्यों पर भी नजर है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि जेपी नड्डा पुडुचेरी और तमिलनाडु को साधते हुए नजर आएंगे। 6 अप्रैल को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए, जबकि असम में आखिरी चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। वहीं पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण यानी 6 अप्रैल को ही मतदान होंगे, जिसका नतीजा 2 मई को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।